एकदम पूरा मोहब्बत है दिल से, लड़की से ज्यादा इसमें मोहब्बत है। हम एक भगवान के रूप में जयराम दादा को देखते हैं। भगवान के रूप में? हाँ, भगवान के रूप में देखते जयराम माता हमारे दिल में बसते हैं। जयराम दादा का हम दिल से सपोर्ट करते हैं। जयराम माता को दिल में बसा। हाँ, अगला मुख्यमंत्री टाइगर जयराम माता ही होना चाहिए। अच्छा, वही होना चाहिए, एकदम फिक्स वही होना चाहिए। हेमंत सोरेन का जयराम माता हमारा नेता है और अगला सीएम जयराम माता बनना चाहिए। हजारीबाग के गांधी मैदान में मौजूद हूँ और आज जो है बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया है JBKSS पार्टी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष जयराम महतो है। तो आप देख सकते हैं 50,000 का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है जयराम महतो को सुनने के लिए, जयराम महतो को देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो का जो है तूती किस प्रकार से बोल रहा है, खास करके महिलाओं को देखिए। और ये भीड़ जो है बिना पैसे वाली भीड़ है, बिना पेट्रोल वाली भीड़ है, बिना गाड़ी वाली भीड़ है। ये लोग खुद अपना पैसा लगा के अपना सब कुछ करके यहाँ पर जयराम महतो को सुनना है, देखने आया। तो कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी नाम है। नेहा, आप कहाँ से आई हैं? हम बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हैं। बोकारो से आई हैं? हाँ। तो ये बताइए कि आप कैसे आई हैं यहाँ पे? यहाँ से हम यहीं पे स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे किसको सुनने आई हैं आप? यहाँ पे जयराम दादा को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, जयराम दादा को? तो जयराम दादा को आप कैसे देखती हैं 2024 के चुनाव में? हम एक भगवान के रूप में जयराम दादा को देखते हैं। भगवान के रूप में? हाँ, भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारे 2000 जब से आजाद हुआ तब से हमारे आज तक कोई ऐसी नहीं, हम लोग को सपोर्ट नहीं कर पाए। वैकेंसी निकालता है, रद्द करता है, निकालता है, बंद करता है, ऐसा ही पैसा लूटता है, उसके बाद बंद करता है। लेकिन जयराम दादा को देखे तो हमको उम्मीद जगा कि हमारे हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जयराम दादा के देखो उम्मीद जगा? हाँ। जयराम दादा को देखो उम्मीद जगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका महतो। ट्रक्कस के बोले क्या? प्रियंका महतो। प्रियंका जी कहाँ से आई हैं आप? रामगढ़ से। रामगढ़ से, तो किसको सुनने आई हैं आप? टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो को? तो ये बताइए कि सभी लोग ये कह रहा है कि टाइगर जयराम महतो जो है अगला मुख्यमंत्री है झारखंड के, इसमें क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो ही होना चाहिए। अच्छा, वही होना चाहिए, एकदम फिक्स वही होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? टाइगर सबसे पहले वो माटी से जुड़ाव का बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग का माटी है तब पार्टी है, पहले माटी से आदमी सपोर्ट करना होगा, पार्टी को नहीं। हेमंत सोरेन तो इसी माटी के बेटा है। वो तो दोगलापन कर रहा है, काम कर रहे हैं ना, वो तो बाहरी नीति कांग्रेस को सपोर्ट कर दी है, कोई मतलब यहाँ के बच्चों के नियोजन नहीं बना पा रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो 60-40 का नीति बनाते हैं, आप थोड़ा समझिए, 60-40 का नीति बनाते हैं, उसमें भी बताते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि 60% में कौन है, 40% में कौन है, 60% में कौन है, 40% में कौन है, ये नहीं बता पा रहे हैं। पहला चीज, आखिर 60% में बच्चा खुलेगा, 40% उसके लिए चाय छाननी चाहिए। देखिए, कोई भी चाय किस मुद्दा पे, अगर हम लोग को चाय छाननी क्या होगा कि 60% ऊपर रहेगा, 40% नीचे, किस मुद्दा, कहाँ है चाय छाननी? चाय छाननी पहले बताइए। जयराम महतो अगर सीएम बनेंगे तो फिर क्या ये सब जो आपके मुद्दे जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सब कुछ सही हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, हम लोग बोल पाएंगे माटी का बेटा, हम लोग स्टूडेंट मिलकर उसको। जयराम दादा भी बदल जाएंगे तो? नहीं बदलेंगे, वो एक सभा में वो बात ही बोले कि एग्रीमेंट के साथ खड़ा होंगे, कभी भी बता हम लोग बोल पाइएगा, और नेता एग्रीमेंट नहीं दिया है। जी जी, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का कहना है कि अगला सीएम झारखंड का जयराम महतो ही है। कहाँ से? राजधनवार से। जयराम महतो को सुन रहे हैं एकदम। 2024 में जो है जयराम महतो को आप कहाँ देखते हैं विधानसभा के चुनाव में? जयराम महतो को सीएम देखना पसंद करेंगे, तो सीएम देखे, लेकिन हमारे क्षेत्र विधानसभा से हम आते हैं, मतलब बदलाव जरूरी है कुल मिला के। तो वहाँ पे आप किसको देखना चाहते हैं? इनके पार्टी में बहुत सारे भी छात्र नेता, किसको देखना चाहते हैं? झारखंडी भाषा खाद्यान्न समिति के जो भी कैडर हो उसको देख, उनको वोट दीजिए एकदम। तो आप देख सकते हैं राजधनवार से भी लोग आए हुए हैं, तो लोगों का जलवा है यहाँ पे, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं जयराम महतो को सुनने के लिए। इधर चलते हैं, लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। दादा, जयराम दादा को सुनना है? बढ़ता हुआ नेता मेरा जयराम महतो है। बताइए कि जयराम दादा को आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीएम बनाएंगे, कैसे बनाइएगा? वोट दे के बनाएंगे, आप लोग के वोट देने से सीएम बनेंगे? सभी को देंगे, सभी को देंगे। जयराम दादा का सबसे अच्छा बात क्या लगता है? जो अपना है कर अपने भाषा में बात करता है वही। अच्छा, हेमंत सोरेन तो अपने भाषा में बात करते हैं, यही झारखंडी है। कहाँ बोलता है कि झारखंडी है? नहीं है, अगर रहता तो इस तरह का नहीं करता, हम लोग साथ दुर्व्यवहार, ये
इतना आयोजन नीति जो था हम लोग बनाना नियोजन नीति बना नहीं पाया, तो हम लोग कैसे झारखंड बात करता है। अच्छा, ये झारखंड हित की बात करते हैं, झारखंडी की बात करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मोहब्बत हो गया जयराम जी, एकदम पूरा मोहब्बत है दिल से, लड़की से ज्यादा इसमें मोहब्बत है। जयराम दादा से मोहब्बत इतना करता है, लड़कियों से ज्यादा जयराम दा से मोहब्बत करता है। लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए, इसलिए इसका गम भी है। जयराम दा से मिल नहीं पाए? नहीं, मिल नहीं पाए, वहाँ गए लेकिन नहीं मिल पाए। हाँ। लेकिन मिलेंगे जरूर एक दिन, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जी जी, लड़की तो बेवफा होती है, ये तो देश के झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो झारखंड के हित के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की लोग तो लेगी जाएगी छोड़ के चल जाएगी। जी जी, जयराम महतो जिंदाबाद। जयराम महतो को प्यार करता है, आप समझ सकते हैं। कहाँ से है? चौपारण प्रखंड। अच्छा, चौपारण से है? हाँ, चौपारण प्रखंड। अच्छा, हेमंत सोरेन के सामने जयराम महतो टिक पाएंगे चुनाव में? वो नहीं, वो टिक गया, वो खत्म हो गया, जो होना था सो हो गया गलती से, खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। अच्छा, अब होगा जयराम महतो, 24 में देख लीजिएगा। जयराम दा के नेतृत्व में नया सरकार बनने वाला है, जैसा कि उनके समर्थकों का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है, उनके चाहने वालों का कहना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके समर्थक जो है ही हा कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके समर्थक जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जयराम महतो के समर्थन में यहाँ पर जन सभा हो रहा है। जयराम महतो के लिए यहाँ पर हजार हजार किसान आए हैं, महिलाएं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी प्रकार के यहाँ पर आए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जयराम महतो के लिए यहाँ पर जन सभा हो रहा है। तो 2024 के लिए जयराम महतो झारखंड का एक नया सितारा होगा। क्या जयराम महतो 2024 में मुख्यमंत्री बन पाएगा? ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जयराम महतो की हेमंत सोरेन, ओनली फॉर जयराम महतो, ओनली फॉर जयराम, ओनली फॉर जयराम, जयराम या हेमंत, जयराम महतो, जयराम या हेमंत, जयराम, 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 जयराम महतो जिंदाबाद। सबसे पहले मैं भोकाल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो इतना आप मतलब समय दे रहे हैं। और जयराम महतो 2024 में अगला सीएम बनेंगे, हम लोग बना के रहेंगे, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाएगा, जयराम सीएम बनेगा, बनेगा तो बनेगा। 2024 में सीएम बन रहे हैं तो बन रहे हैं। गरीब घर का लड़का है तो गरीब भाई इतना देख सकते हैं कि जयराम महतो के लिए किस प्रकार की दीवान है। आप कमेंट करके बताइए क्या ऐसी दीवानगी किसी नेता के लिए आपने देखा था, क्या इस प्रकार का दीवानगी आपने कभी किसी भी नेता के लिए, चाहे राजस्तरीय नेता हो चाहे नेशनल लीडर हो, आपने देखा था? मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा। लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ देखिए वहाँ तस्वीर देखिए, जयराम महतो। अच्छा नेता है, कहाँ से आप आए हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से आप? हजारीबाग से आए हैं, बरकट्टा विधानसभा से, इस पर विष्णुगढ़ से, विष्णुगढ़ से जी। बोलिए, मांडू विधानसभा, मांडू। जयराम महतो को सुनना है? हाँ, जयराम महतो जिंदाबाद। जयराम महतो का सबसे अच्छा बात क्या लगता है? हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं 1932 खाद्यान्न लेकर के, जो नियोजन नीति बनवाना चाह रहे हैं, वही चीज लेकर के हम लोग सबसे बढ़िया लग रहा है। 740 का जो विरोध कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो जयराम महतो के हम लोग महासभा में है, जो की हजारीबाग के गांधी मैदान में चल रहा है, और यहाँ पर 50,000 की भीड़ आई है जयराम महतो को सुनने के लिए। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग जयराम महतो को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग जयराम महतो को ये कह रहे हैं कि बच्चा लोग है आंधी में उड़ जाएगा, तो इस भीड़ को देख के सभी पार्टियों को सचेत हो जाना चाहिए कि जयराम महतो के लिए यहाँ पर जनसैलाब उड़ रहा है। जयराम महतो को सुनने के लिए 50,000 की भीड़ आई है, और लगभग झारखंड के 2400 जिले से लोग आए हैं। इतना भीड़ क्या मुख्यमंत्री के सभा में होता है, क्या प्रधानमंत्री के सभा में होता है? आप जरा कमेंट करिए। आप कहाँ से आई हो? हम यहाँ पढ़ते हैं। पढ़ती है? तो किसको सुनने आई है? जयराम महतो। जयराम महतो की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये लगती है कि स्टूडेंट के लड़ते हैं, और कोई भी नेता अगर गलत काम करता है तो उसके ऊपर डट के सवाल उठाते हैं। मतलब कि कोई भी नेता गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके ऊपर बोलते हैं?
था और ये हमको सबसे अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट को इनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं और जितना नेता है गलत करता है उन पर सवाल उठाते हैं, सबको उठाना चाहिए आवाज। मतलब सभी स्टूडेंट को जयराम महतो को सपोर्ट? हाँ, सभी स्टूडेंट को नहीं, सभी जनता को, झारखंड का। लेकिन कुछ लोग कहता है सिस्टर की जयराम महतो महतो के नेता है खाली। महतो का नहीं, पूरा झारखण्ड का नेता है, पूरा झारखण्ड का लोग को सपोर्ट करना चाहिए, महतो का नहीं, सब जात का नेता। अच्छा, हेमंत सोरेन जयराम महतो में कौन अच्छा लगता है? हेमंत सोरेन का चुतिया है, जयराम महतो हमारा नेता है और एक बार सीएम जयराम महतो बनना चाहिए। अच्छा, जयराम महतो को सीएम बनना? हाँ। क्या बोलती है सिस्टर? हाँ, सीएम बनना चाहिए जयराम महतो को। अच्छा, क्या बोलती है? हम भी इसका बात पे सहमत हैं। जयराम महतो? हाँ, जयराम महतो हमारे दिल में बसते हैं, जयराम दादा का हम दिल से सपोर्ट करते हैं। जयराम महतो को दिल में बसा? हाँ। तो जयराम महतो के लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा जन सैलाब उम्र है जयराम महतो के लिए कि आप गिनती नहीं कर पाइएगा, गिनते गिनते का महीना लग जाएगा, कभी भी नहीं गिन पाइएगा। मैं लमसम बता रहा हूँ कि 50,000 के यहाँ पे 50,000 की भीड़ है और ये 17 जून को जो है बलियापुर में पार्टी का गठन किया गया, ठीक एक महीना बाद हजारीबाग के गांधी मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी आई कि भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है लोगों को। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, जिधर देखिएगा उधर सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।